भी गूगल में एक सर्विस ये है कि अगर वहाँ पे कोई एम्प्लॉय होता है जिसकी डेथ हो जाती है सर्विस करते हुए, तो उसकी जो फैमिली होती है तो उसका हाफ, यानी कि उसकी सैलरी का हाफ पोर्शन उसके घर वालों को दिया जाता है। और उसके अगर बच्चे भी हैं छोटे, तो जब तक वो 19 साल के नहीं हो जाते उनको पर मंथ $1,000, यानी कि इंडिया के हिसाब से 65,000 रुपये उनको दिए जाते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। और आज हम बात करेंगे गूगल के कुछ ऐसे फैक्ट्स, और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं ये, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट ये है कि गूगल के हर एक मिनट में लगभग 2 मिलियन सर्चेज होती हैं, यानी कि 2 मिलियन लोग हर मिनट उस गूगल पर ऑनलाइन होते ही होते। दूसरे फैक्ट की बात करें तो गूगल का जो नाम है वो एक गलती के कारण या एक्सीडेंट के कारण गूगल पड़ा है, नहीं तो उसका जो पहले ओरिजिनल नाम था वो था GOOGOL, यानी कि गूगल। लेकिन जो उसके फाउंडर थे उन्होंने तो उसे थोड़ा मिस स्पेल्ड कर दिया, तो उसका नाम पड़ गया गूगल, GOOGLE। इंटरेस्टिंग है। तीसरा फैक्ट ये है कि अगर आप गूगल पर जाकर ASKEW सर्च करते हो, तो आपकी जो विंडो की जो स्क्रीन होती है ना, जो मोबाइल का व्यू होता है या विंडो की स्क्रीन होती है, वो हल्का सा स्लाइड हो जाएगी, यानी कि सीधा ना रह के हल्की सी टेढ़ी हो जाएगी। जी हाँ, और जब तक आप उसे डिलीट नहीं करोगे या उसे दोबारा सर्च नहीं करोगे कोई ऐसा वर्ड या ऐसी साइट या कुछ भी, तब तक वो टेढ़ा ही रहेगा। अगला फैक्ट यह है कि गूगल एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ के लोगों का काफ़ी ख्याल रखती है गूगल। और उसके मुताबिक गूगल में एक सर्विस ये है कि अगर वहाँ पे कोई एम्प्लॉय होता है जिसकी डेथ हो जाती है सर्विस करते हुए, तो उसकी जो फैमिली होती है तो उसका हाफ, यानी कि उसकी सैलरी का हाफ पोर्शन उसके घर वालों को दिया जाता है। और उसके अगर बच्चे भी हैं छोटे, तो जब तक वो 19 साल के नहीं हो जाते उनको पर मंथ $1,000, यानी कि इंडिया के हिसाब से 65,000 रुपये उनको दिए जाते हैं हर मंथ। गूगल के जीमेल, जो जीमेल है यानी कि एक ईमेल एड्रेस या ईमेल फैसिलिटी, उसका जो लॉन्च है वो 1 अप्रैल को हुआ था 2004 में। तो काफ़ी लोग सोच रहे थे कि कहीं गूगल ने उनके साथ कोई मजाक तो नहीं किया है, और उसे वो एक प्रैंक की तरह समझ रहे थे गूगल की तरफ से, या कहें एक गलती हो गई थी गूगल की तरफ से। 2013 में 16 अगस्त थी, और उस टाइम गूगल का जो सर्वर था वो 5 मिनट के लिए डाउन चला गया था, जिसकी वजह से जो पूरे इंटरनेट का ट्रैफिक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रैफिक है गूगल पे आता है, जो 40% डाउन हो गया था, जिसकी वजह से सारी साइटें ब्लॉक या फिर डाउन चल जाती हैं, या फिर कुछ सर्च ही नहीं कर सकते आप गूगल के बिना, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब गूगल सर्च करते हैं बजाय बजाय याहू या बिंग इनके। गूगल जो मैप्स होते हैं वो हम सब जानते हैं, उनसे हम ट्रैफिक के बारे में पता लगते हैं, कहीं जाना है तो हम बता सकते हैं कि कितनी देर में हम पहुंच सकते हैं। गूगल को कैसे पता लगता है? गूगल ये देखता है कि जो एंड्रॉयड डिवाइस हैं उस रोड पर चल रहे हैं उनकी स्पीड क्या है, स्पीड से कैलकुलेट कर लेता है कि उस रोड पर वो ट्रैफिक वहाँ पर है या नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपका जो डीएनए है उसका 1 ग्राम हिस्सा, यानी कि 1 ग्राम डीएनए के अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है? 1 ग्राम डीएनए के अंदर पूरा गूगल, और उसे उसमें फेसबुक भी जोड़ दिया जाए तो पूरा फेसबुक और गूगल मिला के जितना डाटा बनता है उसको हम 1 ग्राम डीएनए में स्टोर कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो सब जानते होंगे, जो कि हैं एक अमेरिकी राष्ट्रपति, और 2016 में शायद, हाँ 2016 में जब चुनाव थे तो डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा गूगल किया गया था 2016 में, वो भी 88 कंट्रीज, यानी कि 88 कंट्रीज में, जिसमें शामिल थी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और मेक्सिको और स्पेन। गूगल की जो पहली फीमेल एम्प्लॉय थी वो थी याहू की CEO मैरिसा मेयर, जो कि 1999 में बनी थी। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अननोन फैक्ट्स, शायद आपको मालूम हो, और जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मेरी तरफ से थे।
और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे वीडियो के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टिप्स एंड ट्रिक्स को।